दोस्तों, अब तक जितनी फिल्में आपने देखी हैं मिथुनदा की, उन्हें आप सब ने बहुत पसंद किया है और इसीलिए वो फिल्में सुपरहिट, हिट और ब्लॉकबस्टर भी रही हैं। हालांकि कुछ फिल्में ऐसी भी रही हैं जो फ्लॉप भी हुई हैं, लेकिन 350 से भी अधिक फिल्मों में काम करने वाले मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में ज़्यादातर सुपरहिट हुआ करती थी और उनके डायलॉग्स, उनकी फिल्मों के गाने और उनकी फिल्मों की एक्टिंग लोगों को बेहद पसंद आती थी। उनकी फ्लॉप फिल्में भी लगे पैसे को निकाल लेती थी। जितना बजट फिल्मों में लगता था वो बजट उनका निकल आया करता था, भले ही फिल्म फ्लॉप क्यों ना हो। लेकिन मैं आपको ऐसी और दो फिल्मों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि सिनेमा घरों में अगर आती तो वो कितना धमाल कर पाती, और वो दोनों फिल्में मिथुन चक्रवर्ती की ही हैं। तो आइए अब जानते हैं वो दो फिल्में कौन हैं। पहली फिल्म है जय देवा, जो कि 90 के दशक में रिलीज होने वाली थी। ये एक लव स्टोरी फिल्म थी और इस फिल्म में हम सबको दिखने वाले थे मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित। ये एक त्रिकोण लव स्टोरी थी, इसमें ये तीन एक्टर्स नजर आते और लव स्टोरी की कहानी चलती रहती। हम ये भी कह सकते हैं कि इस फिल्म को रिलीज ना करके इसकी जगह साजन फिल्म रिलीज कर दी गई हो, साजन फिल्म के नाम से फिल्म बनाई गई हो, क्योंकि साजन फिल्म भी एक त्रिकोण लव स्टोरी फिल्म है और वो भी 90 के दशक की ही सुपरहिट फिल्म है जिसमें संजय दत्त, सलमान खान और माधुरी दीक्षित नजर आए थे। फिलहाल तो जय देवा के नाम से ये फिल्म आने वाली थी जिसमें नजर आने वाले थे मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त, लेकिन किसी कारणवश ये फिल्म ना आ सकी। वहीं दूसरी फिल्म है पराक्रमी। पराक्रमी 1993 में रिलीज होने वाली थी। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती थे, अमरीश पुरी थे, नूतन थी, वहीं संगीता विजलानी भी इस फिल्म में नजर आने वाली थी, लेकिन ये फिल्म भी नहीं रिलीज हो पाई। पहली फिल्म का तो कारण मैंने बता दिया है कि शायद हो सकता है उस फिल्म का दूसरा बना दिया गया हो साजन, लेकिन पराक्रमी क्यों नहीं रिलीज हो पाई इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इन फिल्मों के बारे में कि अगर ये बन के रिलीज हो गई होती तो सिनेमा घरों में क्या कमाल कर पाती। और आपको ये बता दें कि दोनों फिल्मों की शूटिंग भी चालू हो चुकी थी, लेकिन बस यही है कि फिल्म नहीं आ सकी।